एसएससी जीडी की जो है फॉर्म आ चुकी है, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने जो है वो माइग्रेट किया है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी गए हो, तो उस केस में आपके पास रिजर्वेशन अवेल कैसे कर पाओगे, तो इसके बारे में जानेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखो, सबसे पहले एक बात कि आपका जो है वो फॉर्म फिलिंग का जो है वो लास्ट डेट है 14/10/24, तो यानी कि आपको 14 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो भी 14 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए। अब बात आते हैं यहाँ पे, आप जो है वो पेज 6 पे आओगे नोटिफिकेशन के, तो इसमें क्लियरली मेंशन है, आप इसको पढ़ोगे, ये जो क्लॉज नंबर 64 है, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जिस भी स्टेट से आए हो, मीन्स अगर आप जो है वो लेट सपोज कि आप अगर एमपी से आप जो है वो आप यूपी जा रहे हो, ओके, मीन्स एमपी से आपने माइग्रेट किया यूपी में, तो उस केस में आपके पास एमपी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात को आप समझ लो। और फॉर्म फिलअप करते समय आपको जिस स्टेट में आप गए हो उस स्टेट के अगेंस्ट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मीन्स आप सोचोगे कि मैं एमपी से यूपी में आया हूँ तो मुझे यूपी के अगेंस्ट रिजर्वेशन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वो जो आपका ओरिजिन है, ओके, आप जिस स्टेट से ओरिजिन है उसी स्टेट में जो रिजर्वेशन होगी उसी के अगेंस्ट आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जहाँ पे आपने माइग्रेट किया है तो उस माइग्रेटेड स्टेट के अगेंस्ट आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। मैं उसको सॉरी सॉरी मैं इसको और भी अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि देखो, आपको जो रिजर्वेशन मिलेगी वो ओरिजिन के स्टेट पे मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। मीन्स आपने जो है वो जन्म कहाँ से लिया और आप आपने जो है वो कहाँ पैदा हुए, मेनली वो है कि आपका जो है वो डेट ऑफ सॉरी बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ पे है। तो जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगी। और अगर आप रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जो है वो यूअर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो ये जो है वो मॉडल याद रखना जो मैंने बताया कि अगर आप एमपी से यूपी आ रहे हो तो एमपी जो है वो आपका ओरिजिन स्टेट हो गया, यूपी जो है वो आपका माइग्रेटेड स्टेट हो गया, तो यूपी के अगेंस्ट आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इरिस्पेक्टिव कि आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ हैं, अगर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हो, लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ यूपी एमपी में है तो आपको नहीं मिलेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर एक ही जगह के हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप जो है वो अगर ओरिजिन आपका एमपी में है और आप यूपी में आ रहे हो तो उस केस में आपके पास एमपी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऑनलाइन फॉर्म में आपको जो ऑप्शन आएगी तो उसमें चूज़ करना है कि आप जो है वो माइग्रेट किए हो, कहाँ से किए हो और अभी कहाँ रहते हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करनी है। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो इन सभी चीज़ें ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहती है, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपने अगर एसएससी जीडी की फॉर्म फिलअप की है या फिर करने की सोच रहे हो तो आपके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है वो टेस्ट बुक ऐप से अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। टेस्ट बुक ऐप है, ऐप भी है, और इसे जो है वो आप वेबसाइट पर भी चला सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप जो है वो ऐप में गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना, और या फिर आप जो है वो अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें लैपटॉप से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल जो है वो अराउंड 901 टोटल टेस्ट हैं और 26 टेस्ट फ्री हैं। तो अगर अभी आपने इसका टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फ्री में जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स जो है जो अभी करेंटली एक्टिव हैं, और यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो
आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे PYQ आपको मिलेगा और साथ में मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो अगर मैं PYQ की बात करूँ तो PYQ जो है वो आप देखोगे कि टोटल जो है वो 2000 कितने साल का है आपके पास, 19, 21 और 22, 23 और 24। ओके, तो 3 से 4 साल का आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वो एनालिसिस आपको मिल जाएगी। और ये जो 2024 में फरवरी में हुई है उसकी भी आपको पेपर मिल रही है। तो आप जो है वो इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से, और साथ ही जो है वो टेक्स्ट बुक का लेकिन आपको जो है वो एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आप जो है वो फुल फ्लेज्ड इसकी तैयारी करना चाहते हो। तो उसके लिए जो है वो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको परचेज करना पड़ता है। तो इसकी जो है वो प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, तो देखो इसका जो है वो लाइफ टाइम यानी कि ऑफर जो है वो चलते रहता है, ये जो है वो 3 साल के लिए है और ये एक ईयर वाला है। तो एक ईयर वाला आप मत लेना क्योंकि इसमें आपको जो है वो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम डिले हो गई या एक्सटेंड हो गई तो आप जो है वो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए 3 साल वाला लेना आपके लिए रिकमेंडेड रहता है। और एक बेनिफिट और रहती है कि आप जो है वो अदर एग्जामिनेशंस की भी इस ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हो, एक बार अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसका अगर आप जो है वो ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर दोगे JBYY16 तो आपको जो है वो 10-20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है वो ये कूपन कोड भी अप्लाई करके देख सकते हो, आप जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो पास प्रो ले लेना ओके, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। और अगर आप जो है वो इसकी सुपर कोचिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन पास प्रो तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखो यहाँ पे आप SSC की जितनी एग्जामिनेशन है वो सब भी कर सकते हो, और साथ ही जो है वो अगर आप डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एग्जामिनेशन की भी आप जो है वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप जो है वो प्रिपरेशन फेज में हो और टेस्ट सीरीज का एक सेट चाहिए, तो आप जो है वो 3 ईयर्स का एक बार पास परचेज करके और जितने एग्जामिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशंस की आप जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।